वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको आपकी कैटेगरी कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है, ठीक है। मेरी तरफ से जो जो हेल्प होगी मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपकी SC है, ST है, NT है, OBC है, EWS है, ओपन है, कुछ भी कैटेगरी है आपके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सजेस्ट कर दूंगा। प्लीज एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके OBC, SC, ST, NT, ओपन, EWS इन सारे कैटेगरीज के कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, कि कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ लगेगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ठीक है। और आपके लिए हर दिन वीडियोस आ रहे हैं, आप एक बार वीडियो सेक्शन जाके देख लो, इतने वीडियोज अगर कोई ला रहा होगा, ठीक है, तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो मेहनत कर रहा हूँ वो दिखनी चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंचे वो वीडियो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम टॉप कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। टॉप कॉलेजेस से जानने से पहले आपको इन कॉलेजेस में एंट्री मिलेगी, ठीक है। कब मिलेगी? जब आप अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनवाओगे, ठीक है। MST CET में 50% काम होता है आपका एग्जाम देना, रिजल्ट क्या वेट करना, ठीक है। 50% काम होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस को समझना और कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाना, ठीक है। तो मुझे पता है आपको महाराष्ट्र के 350 कॉलेजेस की आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन जो काउंसलर्स मैंने लगाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है, उनको हर एक कॉलेज का फीस, प्लेसमेंट, उसका कट ऑफ कितना है, NRF रैंकिंग कैसी है, मेस कैसा है, फैकल्टीज कैसा है, हर एक चीज का नॉलेज है, ठीक है। और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपकी एक लिस्ट बनाएंगे। सपोज राहुल नाम का लड़का है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसकी डिजायर सिटी कौन सी है, डिजायर कॉलेज कौन सा है, कौन सी सिटी में उसको चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है, सारी चीजें आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज लिस्ट डिलीवर होगी। जैसे रिजल्ट लगेगा आपको कॉलेज लिस्ट डिलीवर हो जाएगी आपका इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज करेंगे, ओके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बहुत कम परसेंटाइल होते हैं, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत ज्यादा परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेज से पढ़ रहे हैं। एक ही चीज गलत कर दी और एक ही चीज अच्छे से कर ली, वो है कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट बनाने में गलती मत कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते, अभी मैं बात करता हूँ आपके टॉप कॉलेजेस में, ठीक है। टॉप कॉलेजेस में जाके अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपको 96% से ज्यादा परसेंटाइल लगेंगे ही लगेंगे अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस कौन से, उसके ऊपर वीडियो डल चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस के ऊपर। ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 89% से ज्यादा परसेंटाइल लाने होंगे अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी है और अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको 76 से भी ज्यादा परसेंटाइल लाने होंगे, तभी आप टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। एसटी की बात करूं तो आपको 74 से भी ज्यादा परसेंटाइल लगेंगे एसटी के लिए, और एनटी की बात करूं तो 72 से भी ज्यादा आपके परसेंटाइल लगेंगे अगर आपकी एनटी कैटेगरी है तो, ठीक है। रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का भी आप मान के चलो 90 के अराउंड, ठीक है, ओबीसी इतना ही होगा उसका, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉप कॉलेजेस के बारे में। बात करते हैं मीडियम कॉलेजेस के बारे में। अगर आपके मीडियम कॉलेज में जाना है आपको, ठीक है, मीडियम जो महाराष्ट्र के मीडियम जो कॉलेजेस है उसमें अगर जाना है तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 92% लाना बहुत मस्ट है, ठीक है, 92% लाना आपको जरूरी है, ठीक है, तभी आप जा सकते हो। ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 80% लाना आपको लिए जरूरी है, ठीक है। एससी कैटेगरी है तो आपको 68%+ लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसटी कैटेगरी है तो 65%+ लाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एनटी कैटेगरी है तो आपको 63%+ लाना जरूरी है, तभी जाके आप मीडियम कॉलेजेस में अपना स्थान बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के इनसे भी कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज लिस्ट इस प्रकार से बनाएंगे ना, बहुत अच्छे प्रकार से बना के आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई लग रहा है वहाँ पे, फिर या फिर मेरे चाचा वाचा वहाँ पे है तो मैं फिर आपका एडमिशन करा दूंगा, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। कॉलेज लिस्ट बनवाना मतलब आप उस कॉलेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट में, जिसकी लिस्ट अच्छी हुई, जिनके कॉलेजेस की रैंकिंग अच्छी हुई, वो अच्छा कॉलेजेस में चला जाएगा। अगर आपके दो बच्चे के 47 परसेंटाइल है ना, फिर भी 47 वाला अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, 147 वाला लोअर कॉलेजेस में पढ़ेगा, क्योंकि लिस्ट में उसने ऊपर नीचे डाला है उस कॉलेज को। मैं ये गलती आपकी नहीं होने दूंगा, काउंसलर्स इसीलिए बैठे हैं, ठीक है। लो लेवल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके लो लेवल कॉलेजेस में जाना है आपको, ठीक है, आपके परसेंटाइल कम है, तो अगर आपके लो लेवल मतलब ऐसा नहीं कि वो बिलो लो लेवल है, ठीक है, एज कंपेयर टू टॉप लेवल दे आर लो लेवल, ओके।
ओपन कैटेगरी की बात करूं तो मैं 80+ परसेंटेल आपको लाना होगा, ओबीसी के लिए 65+ परसेंटेल आपको लाना होगा, एससी के लिए 40+, एसटी के लिए 36+, एसटी के लिए आपका 33+ परसेंटेल लाना होगा, सॉरी एसटी के लिए 36% और एसटी के लिए आपका लाना होगा 36+ परसेंटाइल, एनटी के लिए लाना होगा 33+ परसेंटाइल। ठीक है, तो ये था लो कॉलेजेस के बारे में, मैंने बताया आपको टॉप कॉलेजेस में बारे में सारी कैटेगरीज, मिडिल कॉलेजेस के बारे में सारी कैटेगरीज, लो लेवल कॉलेजेस के बारे में सारी कैटेगरीज। क्या लो लेवल को छोड़ के कॉलेजेस नहीं रहेंगे नीचे? हाँ, तो वो बिलो लो लेवल कॉलेजेस है जहाँ पे बहुत मतलब कम प्लेसमेंट होता है, तो उनमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके इन कॉलेजेस में लगता ही नहीं, ठीक है, लो लेवल तक के कॉलेजेस मतलब आप समझ सकते हो डीवाई पाटिल लोहे गांव वाला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आकुर्डी वाला नहीं, आकुर्डा वाला आपका मीडियम लेवल कॉलेजेस में आएगा। तो ऐसे कॉलेजेस जो है ना उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको लिस्ट चाहिए टॉप कॉलेजेस, मीडियम कॉलेजेस और लो लेवल कॉलेजेस की, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपका बिलो लेवल बहुत कम परसेंट आ रहा है ना, तो आपको बिलो लो लेवल कॉलेजेस मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, कॉलेज लिस्ट की बात को सीरियसली लेना, ठीक है, और तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।